अरे लालू जी, हमारे घोड़े के आगे तुम तो कभी रेस लगवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे घोड़े का नाम है सनकी। जब मेरा घोड़ा सनक जाता है ना, तो इतना स्पीड में दौड़ता है, कभी कभी तो ये ट्रेन को पीछे कर देता है, और हवाई जहाज़ को तो पूछो मत। हवाई जहाज़ को एक बार तो इसने 5 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था, इतना तेज मेरा घोड़ा चलता है। मेरे घोड़े से अगर कोई रेस करवाना चाहता है, करवा के देख ले। अगर मेरा घोड़ा आगे निकल जाता है, मैं उसका घोड़ा फ्री ले लूँगा, जिसका घोड़ा मेरे से पीछे जाएगा। मर्जी रेस करवा के देख लो, इतना स्पीड में किसी का घोड़ा दौड़ नहीं सकता, वादे के साथ कह सकता हूँ। अरे ऐसे कैसे कह सकते होगी जी? अरे ऐसे कहना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे घोड़े का नाम सुन करके तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। मेरे घोड़े का नाम है स्पीड। स्पीड सुनते ही लोगों के मन में आ जाता है कि स्पीड कितनी हाई हो जाती है। मेरे घोड़े का अगर एक बार स्पीड नाम ले लो, तो इतना तेज स्पीड हो जाती है, तो हवाई जहाज बता रहे हो, ये हवा को पीछे छोड़ देता है। जितनी तेज हवा चलती है, उसके हवा के आगे ये तो तुम्हारा, तुम लोगों का घोड़ा बिल्कुल जीरो है। मेरे घोड़े सा रेस कोई करवा के देख ले, मर्जी सोनिया जी करवा के देख ले। वैसे लालू जी बताओ, इनसे करवाना चाहिए रेस कि नहीं करवाना चाहिए? वाह मेरे शेर अखिलेश, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया यार, इतना तगड़ा यार तुमने बोल करके। अरे ये योगी जी ऐसे हवाबाजी करते रहते हैं, हम जब अपना घोड़ा आगे उठाएंगे ना, तो इनके घोड़े तो पीछे ही रह जाएंगे। इनको ये शायद पता नहीं है, कभी भी ये ना तो मोदी आगे आ सकते हैं, ना तो ये प्रियंका आगे आ सकती हैं, ना ही योगी आ सकती है। केवल हवाबाजी मार रहे हैं। इनकी हवाबाजी बातें सुनकर के तुम परेशान मत होना, अभी चलो। प्रियंका जी तुम तो कभी भी आगे नहीं जा सकती, तुम घोड़ा छोड़ करके चले जाओ तो अच्छा रहेगा। अरे फालतू की बातें मत बोलो लालू जी, चलो तुम रेस करवा के देखो मैं कैसे दौड़ाती हूँ, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मेरा घोड़ा तो चुपचाप शांत खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलो। चलो रेस में आगे देखते हैं। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अरे रुको, तुम लोग रुको, बीच रोड क्रॉस करके तुम इधर से कहाँ जा रहे हो? अरे जंगल से तुम सीधे निकले, रोड क्रॉस करके चुपके चुपके जा रहे हो। अरे ऐसे कैसे चुपके चले जाओगे हमारे और अभी इसी के रहते हुए? कुछ तो तुम्हें चालान भरना ही पड़ेगा, क्योंकि चालान बिना दिए हुए हम किसी को जाने नहीं देते रास्ते में। ये तुम टोकरी में पता नहीं क्या क्या तुम लोड कर रखे हो, इसका भी अभी चेकिंग करवाता हूँ। पता नहीं क्या आलू भिंडी टमाटर लाद रखे हो, तुम्हें बेचने का परमिशन केवल आम है, लेकिन तुम क्यों ये सब लोड कर रखे हो? अरे क्या लालो जी, तुम बार बार मुझे टोकर देते रहते हो। ये बताओ, अभी तक मैंने कार में जब बेच रहा था फल और सब्जी, तब तुमने चालान काटा। उसके बाद मैं तो ठेली पर बेचने लगा, तब भी तुमने चालान काटा। उसके बाद साइकिल पे बेचने लगा, तब भी चालान काटा। अरे अब तो कंधे पर रख करके मेहनत कर रहा हूँ, तब चालान क्यों काट रहे हो? ये चालान काटने का नियम तो मुझे सही नहीं लग रहा है। अब बताओ, मैं सारे फ्रूट अपने कंधों पर लोड करके जंगल से इधर उधर भटक करके भेजता हूं, फिर भी चालान काटते हो। कोई नहीं, हमारा चालान मत काटो, और योगी और अखिलेश का काट दो आज चालान। अरे मोदी जी मेरा चालान कैसे काट देंगे? ये बताओ, मैं कोई हीरा थोड़ी ले रखा हूँ, मैं हीरा जवाहरात थोड़ी ले रखा हूँ, मेरा चालान काट देंगे? अरे चालान किस बात का, मैं टोकरी अपने कंधों पे लोड कर रखा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, मजदूरी अपने आप कर रहा हूँ, पैसे मैं कमाता हूँ, चालान मैं क्यों कटवाऊँ? तुम भी मोदी जी क्या फालतू की बातें करते रहते हो? तुम्हें अपने साथ लाने वाला नहीं है, अपना बच करके मेरा चालान कटवा देते हो। कोई नहीं लालू जी, योगी जी का चालान काट दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अखिलेश, ज्यादा चतुर मत बनो, ठीक है? अभी मैं बता दूंगा जो तुमने जंगल में 4 सेब चोरी करके लाए हो, नहीं तो फालतू में मेरी बातें मत करो, ठीक है? मेरा नाम लेने के लिए तुमको कोई बोला भी नहीं है, तुमको सुबह लेकर चल देता हूँ, तभी मैं समझ जाता हूँ कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। अरे ऐसे थोड़ी कुछ होता है, ऐसा करो तुम कल से मेरे साथ मत आना, ठीक है? आज आए तो आए, लेकिन कल से नहीं आना। भाई लोग वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो कॉमेडी वीडियो पाने के लिए। अरे ऐसे खाना खिलाना है तो मत खिलाया करो, अरे ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे ऐसा खाना खिला दिया कि मतलब बिल्कुल तंगी मचा दिया। अरे अच्छा खाना नहीं खिला पाना है तो क्यों बुलाते हो? मैं थोड़ी ये बोला था कि मुझे बुलाओ। अरे निमंत्रण दिया था तुमने मुझे खाना खाने के लिए, मैं आया यहाँ पे, लेकिन ऐसा खाना खिला रहे हो। सबको आम दिया, मुझे आम एक भी नहीं दिया, सबके सामने बढ़िया लाल फिलौटे आम रखे हुए हैं। अरे ऐसे थोड़ी आम हमको नहीं मिला, आम तो छोड़ दो, खाना देखो यार किस कदर की है। तुम लोग अभी खाए नहीं हो, तुम लोग भी खा करके देखना। अरे ऐसा खाना मत दिया करो, हम कल से जीवन में अब अपने नहीं आऊंगा निमंत्रण खाने के लिए।
अरे का हो गया नितेश भैया, इतना कहे बड़बड़ा रहे हो? अरे खाना तुमको मिल ही गया है, अब कौन सी कमी रह गई है? तुम बड़बड़ाते जा रहे हो इतनी देर से, इतना गुस्सा नहीं दिखाया जाता है कहीं भी। अगर निमंत्रण में आए हो तो खाना है तो खा लो, अब गुस्सा दिखाने वाली कौन सी बात है? लगता है तुम्हें खाने का तुमने कोई पैसा तो दिया नहीं है। अरे आम नहीं मिला है, आम कम पड़ गया, या तो तुम्हारा कोई आम चोरी कर लिया गया। सबको आम मिला है, तुमको कैसे आम नहीं मिला है? वो देखो योगी जी के पास भी आम नहीं है। अरे तो ये थोड़ी होता है, गुस्सा नहीं किया जाता, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है। अरे बात क्या होगा, खाना तो अच्छा है ना, अभी मैं खा के देखता हूँ। अरे बताओ राहुल, तुम खा चुके हो, बताओ कैसा खाना है? अरे अखिलेश भैया, हम बता रहे हैं इनका क्या दिक्कत है, मैं खाना खा चुका हूँ, ये कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि खाना में इतना तेज नमक है कि पानी मांगते मांगते थक जाएंगे, अभी तुमने खाया नहीं है। अरे खा के जरा देखो, और नमक तो रही बात नमक की, इनको भाई को तो सेब और आम भी नहीं मिला, सबको मिल गए आम लेकिन इनको एक भी आम नहीं मिला, तो कहाँ से नहीं चिल्लाएंगे? चिल्लाने का तो इनका बनता ही है ना। और यार देखो, तुम लोग चिल्लाओ मत, खाना है तो लो चुपचाप घर निकल लो, इतना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ नितेश, का है इतना गुस्सा आ रहा है? इतना थोड़ी गुस्सा आया जाता है, इतना नहीं गुस्सा आया जाता है। देखो यहाँ पे माफी भी मांगने लगे अमित शाह जी। चलो ठीक है, अब नाराज मत हो भाई। लोग वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।